तो गाइस आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जिस स्टेटस को देखे, अगर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का स्टेटस बनाना सीखना है तो गाइस आपको बस एक फोटो का जरूरत पड़ेगा, आप उसी के हेल्प से दोस्तों कुछ इस तरह का स्टेटस आप बना सकते हो। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हो तो आप इस वाले वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख ही रहा होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहां पे ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग स्टेटस के ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड करता ही रहता हूँ। अब दोस्तों बिना किसी तरीके चलिए अपने काइंड मास्टर को आप ओपन कीजिए, मैं जाकर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं अपने काइंड मास्टर को यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ। अब गाइस आपको इस वाले प्लस के मार्क में क्लिक करना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आप दोस्तों आप यहाँ से किसी भी कलर के बैकग्राउंड को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए यहाँ पर व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्शन करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों इस वाले बैकग्राउंड के ड्यूरेशन को कुछ इस प्रकार से खींच के आपको यहाँ पर बढ़ा लेनी होगी। बढ़ा लेने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद गाइस आप दौड़ के भाग के आप इस वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर गाइस मैंने क्यूब का जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है उसको देख के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो गाइस आप मेरे स्नैक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जो स्नैक आईडी है दोस्तों आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको जो राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के पांच ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मीडिया का दिख रहा होगा, आपको इस वाले मीडिया का ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है। और यहाँ से गाइस आपको क्यूब का जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेनी होगी। गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो क्यूब का ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन कर देना होगा। ऐसा करते ही दोस्तों आपका जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे जो बैकग्राउंड यहाँ पर मेरा थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो गाइस मैं अपने क्यूब वाले वीडियो के बराबर में कुछ इस प्रकार से करता हूँ। कर लेने के बाद गाइस आपको जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा, देख पा रहे, इसको फ्रेंड्स आपको यहाँ से रिमूव करना है। उसके लिए गाइस आप जो आप क्यूब वाला वीडियो है उसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे, राइट साइड में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले कोरमाकी के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सिंपल सा जो की कलर सिलेक्शन करना है वो गाइस कि आप क्या कीजिए, कुछ इस प्रकार से ग्रीन कलर सिलेक्शन कर लीजिएगा और आपको यहाँ से ओके करके आपको इसको इनेबल कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे इनेबल करेंगे, जो आपको पीछे का बैकग्राउंड है यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। देख पा रहे यहाँ पर व्हाइट कलर जो बैकग्राउंड है यहाँ पर मेरा दिख रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करनी होगी, जो आपको राइट साइड में लेयर का ऑप्शन है आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना है। मीडिया पे सिलेक्शन करके दोस्तों अभी गाइस आप जिस फोटो को दोस्तों आप वहाँ पे क्यूब के अंदर आप लगाना चाहते हो उस वाली फोटो को दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। मैं गाइस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर नीरज भाई के एक फोटो को सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा जो फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब कुछ इस प्रकार से इसको आप बड़ा कीजिएगा। बड़ा कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो 3 डॉट दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इस पर 3 डॉट में क्लिक करके आपको सेंड टू बैक ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा और इसको पकड़ के कुछ इस तरह से आपको अच्छे से आपको एडजस्ट कर लेनी है। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों इसका ड्यूरेशन को पकड़ के कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आप लाइएगा। देख पा रहे हो गाइस मेरा जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब अगर अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके आप देखोगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख पा रहे हो। तो गाइस बहुत आसान तरीके से दोस्तों आप कुछ इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। अब आपको इस वाले शेयर मैप के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेनी है।